अबूजी सुभाष ने आते ही वक्त डाल दिया है। वो जितनी गरीब है ना, शायद ये भी उसके थोड़ा होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी थोड़ा, इतना, वो इतना वो गरीब है जितना उसके पास। बिल्कुल आप जाके देखोगे ना, आपको ना करो ये घर है आपको कि मेरे हाथ में तो मैसी भी ज्यादा लेती और भी उनका घर कैसे। ये माशाल्लाह वहाँ पर वो टिब्बे के ऊपर घर है। ओह माशाल्लाह हम लोग बाजी के पास पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? ठीक है, तुसी सुनाओ? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आपने आज कभी सुबह सोचा था कि आज शाम को इतना सारा सामान मेरे पास पहुंचने वाला है? नहीं बाजी, मैं सोचा भी नहीं सी इतना सामान मिलवाने सवा। मेरी बेटी रोजी रखदी सी, गर्मी बहुत होंदी सी, कदी अंदर बैठी होंदी सी कदी बाहर बैठी होंदी, गर्मी लगती थी। छोटी जी होंदी सी, एडी की होंदी सी कि दो रोजी रखना पड़ता। छोटी छोटी सी थी ये जो नबीना ये मिलवाते हैं आपको आजकल? बस बाजी बहुत भैड़ी हालत। अच्छा हाँ, ना तो रोटी का टाइम भी लगती थी ना कुछ टाइम भी लगती थी। मेरी वो अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी बहन का? मैं भी ठीक हूँ। ये हमारी बहन देख तो नहीं सकती है लेकिन रोजे भी सारे रखती है। और जी शहबाज ने यहाँ पे पंखा चला दिया है माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई है। पानी, हाँ जी ठीक है पानी डालेंगे। तो अम्मा जी कैसे इस टिब्बी पे ना लाइट है ना कुछ है, कैसे गुजारा करती है आप? किकरियाँ तो देखे इनमें हस्ती क्या है, लेके बैठी रही सारा दिन अपना टाइम पास करती है, कभी अंदर बह गई गर्मी थी कभी बाहर बह गई ना। हम लोगों ने अम्मा जी को यहाँ पे नलका लगवा कर दिया, हालात इनके पास तो इतना फुर्सत नहीं है कि ये आटा खरीद सके। तो ये जंगल का जंगल है आपको नजर आ रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात, घर है हमसाए हैं तो बहुत दूर हैं। तो ये वहाँ से आए थे उजड़ के, कहाँ से आए थे आप, कौन से इलाके से? सिंध से ये आए थे यहाँ पे। इनकी एक बेटी नाबीना है, बड़ा बेटा कोई है नहीं कमाने वाला। ये उग रहे हैं? हाँ जी पे है, तो निकी निकी टींडे लगे हैं। अच्छा, ये अपने खाने वास्ते लाए हैं, ना कमाने वाला है तो ना होर, चलो अपनी टाइम दी सब्जी बीजी। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? अपने मेरे एक निका जा बेटा है। किधर है? एक बेटी है, बेटा मेरा इधर है। हाँ वो आज मारी रही, किधर गया बेटे को आवाज लगा? अच्छा ये है, हाँ वो बकरियों की खिदमत पे लगा हुआ है। हाँ जी आपका बिरयानी। तो ये इनकी एक बेटी है, एक वो बेटी है जो नाबीना है, और इनका एक छोटा सा ये कमरा है जो रेत के टीले के ऊपर। सिंध से आए थे, वहाँ पे इनका कोई भी नहीं था, फिर सफर करके पता नहीं कैसे आए, कैसे यहाँ पे एक ईंटे कहा, कैसे किसी से मांगी, फिर गुजारा किया यहाँ पे। चलो और कुछ नहीं, सर की छत मिल गई, क्योंकि शहरों में किराए भरे नहीं जाते हैं, इनका कोई कमाने वाला है नहीं कि ये गुजर बसर इनका हो सके। इनका जो सारा सामान इनके लिए लेकर आए हैं हमारी बहन बाजी, आपकी बहन है फजीलत बीबी, आज उन्होंने आप कहा कि ये सारा सामान जो उन्होंने लगाया था लिखवाया था, मैं वैसे कोशिश किया कि सारा ही लेकर आई हूँ, उससे भी ज्यादा लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मुझे पता था क्योंकि इनके पास लाइट नहीं है, तो फिर मैंने इनके लिए सोलर प्लेट ली। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं, इनके लिए सबसे पहले सोलर प्लेट है ताकि यहाँ पे लाइट तो है नहीं। आपकी बहन जो फजीलत बीबी है उन्होंने आपके लिए सोचा, तो सारा सारा दिन आपका ना ये फ्री में कूलर फैन है ठंडा हो जाता है, इसमें पानी डालते हैं ना ये ठंडा हो जाता है, सारा दिन ये फ्री में चलता रहेगा बिल्कुल मुफ्त में। तो उसके अलावा इस वक्त तो ये देखिए यहाँ पे फिर भी हवा चल जाती है, चार लोग हैं।
आपको देखने के बाद आइडिया होगा जी जी, हकदार तो बहुत ज्यादा है। पहले भी हम लोग इनके हालात देख कर गए थे, तो उसके अलावा बाजी आपके लिए दिया है। मैंने सबक कुछ मैंने तो आता, मैं बहुत राजी, मेरी धी मत आ गया, मेरी धी का तुम बहुत किया, मैं अपनी भैन के उत्ते हाले भी राजी हाँ, इन्ना क राजी बहुत मैं अपनी भैन से राजी। चले चले अल्लाह ताला मैंने राजी किया, मैंने बकरिया ने देखे बकरिया माशाल्लाह कितनी हेल्दी हेल्दी बकरिया है। ये बकरिया चलो मैं पालू नी अपनी धी का, कोई ना कोई मैं अपनी धी का बना के रखूंगी, बकरी हुई किन्नी लाया घर का बेटी वास्ते बनाओ नी, मैं इन्ना राजी हूं, मैंने इन्ना तुसी समान दे के मेरी धी सारा दिन घर बैठी रही, मथास घुमाने वाला साडा कोई नी, सा लैके दिता आया, चलो मेरी धी माशाल्लाह अंदर बैठी रहा कर, चक दे बाहर लै दिने, बाहर चक उठा के ले आते ना, उठा के ले जाते है, तो कहती है आइए ये आपके लिए कूलर भी है, बर्फ अगर ले आया करे तो इसमें रख दिया करे, कूलर भी लेकर आई हूँ, ये डस्टबिन भी है, ये डिब्बे भी है, प्लेटें भी, भांडे भी है, नहीं चलो भांडे छाबियां लाती है, मैंने डब्बे लाते हर चीज। और उसके अलावा ये देखिए आपके बेटों के कपड़े भी है, सारी गर्मियों में नहीं खत्म होंगे, फटे हुए कपड़े पाए तो आपकी बेटी के लिए भी लेकर आए हैं, ये देखिये माशाल्लाह बिल्कुल नया सूट लेकर आई हूँ और अच्छे वाला सूट लेकर आई हूँ, ये देखे ये दुपट्टा है, गला भी है, मैं बहुत राजी तेरे, चल मैं तेरे कपड़े पाऊ रही, मेरी ये देखे मैं खुश है, इतना खुश हूं, आप देखेंगी वो तो बेचारी देख नहीं सकती है। ये भी सूट है, ये भी सूट है, अच्छा ये भी तीन पीस थ्री पीस है, वो भी थ्री, और पूरे महीने का साथ में बाजी राशन भी है, ठीक है ना, चाहे चाहे दो जो दिल चाहे वो पकाएं, और वो है बनाओ, ठीक है चावल बनाने चावल बनाओ, और ये भी है आपके लिए माशाल्लाह, पूरा महीना गुजर जाएगा ना आपका, पूरा महीना गुजर जाना, मैं समा के टेंशन लेने लगी, मैं कहा मेरा बंदा घर है नहीं, अम्मा तू पता नहीं मुझे कहाँ लेकर आई है, धूप में बिठाती है, फिर अंदर भी गर्मी में बिठाती है, बाहर भी गर्मी में बिठाती है, वो बेचारी देख तो नहीं सकती है ना, महसूस तो होता है ना इंसान, गर्मी महसूस होती है, देखो अगर अल्लाह पाक ने लिए वसीला बनाया ना इंशाल्लाह आप खुश हैं, मतलब इस चीज से मैं बड़ी खुश हूं, चलो मेरी धी तुसी खुश कीता, मेनू खुश दा, मैं थोड़े ते बड़ा राजी हूं, चलो आप खुश रहे, मैं भैन ते इन्ना क राजी बहुत है, मैं राजी हूं, मैं तेरी दिल सोची सी आपने मेरी पूरी कर दी है, अल्लाह मियां तां ने रखी थी, मैंने तो वो सोचा भी नहीं था अल्लाह ने वो भी मेरे लिए पूरा कर दिया है, किसी को मांग के ते डाए आ अपना टाइम पास करनी, मेरा एक बेटा आ, एक मेरी बेटी थी, एक मेरी यतीम मथाज, यतीम एक बेटा है एक बेटी है और एक ये बेटा जो मोहताज है, कुछ आज बजी दर में आपको ठंडे ठंडे कूलर की हवा चेक करता हूं, इधर आ जा आगे आ जा, पानी डाल लेंगे ना तो ठंडी ठंडी हवा सारा दिन ऐसे आती रहेगी, वो प्लेट है, अज मेरी धी भी खुश है, तो मैं भी खुश हूं, इन्हें तो पता भी नहीं होगा ना कि आज शाम को इनके पास खुशी से आंसू आ गए कि इनके इनको क्या कुछ आज अचानक से घर बैठे मिलने वाला है, अचानक से कुछ आ जाना वो फिर एक उसकी खुशी इंतहा नहीं होती, तो इंसान के अल्फाज भी नहीं आते खुशी से ना, आज मैं बहुत थोड़े से खुश हूं, परावा से भी खुश है, बहन से चले ठीक है, आप बहन से पूछते हैं भैया आ रही है तो माशाल्लाह बच्ची खुश है, अब दिन में भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है दिन में आप शुक्रिया आपका, चलो ठीक है खुश रहो, इसे पहचान है आवाज से भी इसे पहचान है, हमारी बहन फजीलत बीबी ने अबू जी इतना सब कुछ सोचा, यकीन कीजिए मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस डिब्बे पे बैठी हुई बहन जिसका कोई वसीला भी नहीं है, जिसका कोई कमाने वाला भी नहीं है, जिसके पास एक माजूर बेटी भी है और वो बिल्कुल बेबस है, उसे नहीं पता कि भी मुझे कहाँ बिठाया जा रहा है, कहाँ से उठाया जा रहा है, माँ है जब तक सलामत है कर रही है, फिर माँ के बाद तो बस फिर अल्लाह ही वारिस है, तो उनके लिए आज बहन ने भिजवाई है एक सोलर प्लेट, एक कूलर पखा, दो बकरियाँ, ये सारे बर्तन, दो मर्दाना सूट और ये दो लेडीज सूट, ताकि ये ईद भी इनकी अच्छी गुजर जाए और पूरे महीने का साथ में राशन भी है।
और ये बाजी कुछ कैश है, आपको पता है ये कितने पैसे हैं? 500 रुपया। 500 रुपया, वाह, फिर से बताए बाजी। 500 रुपया? नहीं नहीं, 500 रुपया नहीं है बाजी, फिर से बताए। देखे 5 1 2 3 0 है। नहीं पड़ी हुई, मैंने नहीं पता। अच्छा अच्छा, पांच तो पढ़ लिया है। देखे इंसान की ये साथ, इधर आओ बेटा। मैंने दस कितने पैसे है, मैंने तो नहीं पता लग रहा। 2000, वाह गुड, 2000। तो आपकी बेटी किधर है बेटी? देखो बेटा ये कितने पैसे हैं? 5000। ये पढ़ रही है? हाँ जी। ये पढ़ रही है? हाँ जी। हाँ देखा, इसे पता है इसलिए पढ़ रही है बाजी। हाँ जी, माड़ा मोटा मैं पढ़ाऊंगी। माड़ा मोटा पढ़ाती हैं, तो देखें उसे 500 और 5000 का तो पता है ना। इतनी सादा सी हैं, जंगल में जो बैठी हैं, सिंध से आई हैं, कुछ पता भी नहीं है इन्हें। इस ये 5000 है और इनका बहुत कुछ मिलेगा बाजी, ठीक है ना? हाँ, देख के इस्तेमाल करने है, ठीक है ना? कुछ भी मंगा, खुले करवा के देख के और इस्तेमाल करिए ना, किसी को दे दें और 500 की ना मुझे चीज ला दो, वहाँ भी वहाँ खत्म। इसलिए मैंने आपको बताया, मैंने इसलिए पूछ लिया, कई बार ना मैं पूछ लेती हूँ वो, इसलिए कि शायद उन्हें पता हो या ना हो। अच्छा खुश हो जाए बाजी, ये तो आपका खुश होने का वक्त है बाजी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई है। क्या करेंगी वैसे इन पैसों का? वो जो नबीना बेटी है ना, इसके लिए कुछ, इसको ले कर दूंगी इसको कुछ। वो कहते हैं ना कि वैसे जो नॉर्मल बच्चा होता है ना, वो माँ बाप को प्यारा प्यारा होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई थोड़ा सा वो हो ना, वो ज्यादा प्यारा होता है, वो ज्यादा माँ बाप के करीब होता है, क्योंकि माँ बाप समझते हैं मेरे अलावा तो इसका है नहीं कोई ना। हम लोग देखते थे ना वीडियो में कि आप लोग किस तरह काम करते हैं, क्या करते हैं, जब भी आए हो ना मैं वहाँ से यहाँ पे, मुझे पता लगा किस तरह वहाँ से यहाँ बंदे का आने में हाँ। किस तरह मेहनत लगती है, सारा दिन ये चीजें हो जाती है, सिर्फ पैदल चलने में वहाँ से, और ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी रिहाइश है। हाँ जी, किस तरह रहते होंगे, किस तरह रहते होंगे। दूसरी बात ये शहर में रह के, ठंडी हवाओं में रह के, पंखे में रह के हमसे नहीं बैठा जाता, तो ये एक शहरा में बैठ के, शहरा में बैठ के जहाँ पे सूरज भी नजर भी होते हैं यहाँ पर, तो सर के ऊपर होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपने मटेरियल सुबह कब खरीदना अबू जी ने शुरू किया है? और सुबह सवेरे 7-8 बजे इन्होंने सारा चीजें इकट्ठी करना शुरू की हैं, बकरियां, मंडी जाओ, कूलर लो, बाजारों में जाओ, यहाँ से जाओ, तो सब कुछ कर करके शाम को जाके सामान इकट्ठा हुआ है, फिर जाके यहाँ तक पहुँचना और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हवाले कर देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाजी को आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अचानक से पहले माशाल्लाह इतना बोलती होती है, मैंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं है, इतना सारा कुछ मुझे यकीन नहीं आ रहा, कहती है मैंने ये सब कुछ कभी देखा नहीं है। तो वो इंसानों का भी यकीन नहीं आता कि ये वाकई मेरे लिए हो रहा है। हाँ सोचिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए आजकल के जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-15-20 लाख निकल रहा है, इनके लिए इसकी इतनी कीमत है। राजी थोड़े दे अल्लाह मियां, बहुत अच्छा शुक्रिया मालिक दा, लाख लाख बारी अल्लाह ने इतना कुछ मैंने दवाया है। बकरियां लिया के दित्तिया, चलो मैं अपनी बकरियां अपने को रखनी है, अल्लाह मियां कोई दुध घर दा देऊ दा, मेरी धी रज के दुध पीऊ दी, मेरी बेटी के बारे में बस बेटी वास्ते सब कुछ खुश है, मैं भी खुश हाँ, भैन भी खुश हाँ, पुत भी खुश हाँ, भरा भी खुश। चलो ठीक है, दो में याद रखिएगा, हम लोग चलते हैं। ओ माशाल्लाह, ये दो बकरियां हमने ले ली है, ये भी माशाल्लाह नस्ल वाली बकरियां हैं, पालने वाली बकरियां हैं। अच्छा ये कौन सी नस्ल है? ये चीनी। अच्छा ये, अच्छा माशाल्लाह जी, ये दोनों, ये चक मदरसे वाली नस्ल है, चीनी नस्ल है, और ये भी पालने वाली नस्ल बकरियां हैं। तो ठीक है, ज्यादा पैसे बताएं भाई जान इनके? 30,000 भाई जान, बहुत ज्यादा है। देखे हम गरीबों को देते हैं, आपको पता तो है, वो भी पालते हैं बेचारे, ठीक है ना? तो आपको दुआ देंगे, ठीक है ना? आप ऐसे करें, इनके दोनों के 20,000 रुपए ले लेंगे। 20,000 कम है, आप बता दें आखिर, बता दें कितने? 2,000 कम, 28। नहीं 28 नहीं, मैं आपको पैसे देता हूँ, आपने इनकार नहीं करना, ठीक है ना? हाँ, तो वो उसकी वजह ये है कि ये पालेंगे, आपको भी दुआ देंगे, ठीक है ना? हाँ, ये
ये गिन लें, ये 25 है, 1000 मुझे दे दें, 24000 पे ये रख लें, ठीक है 1000 पे मुझे दे दें, गिन लें पैसे कितने हैं, 25 है, 1000 मुझे दे दें वापस, ठीक है। तो ये जी माशाल्लाह हमने 24000 रुपये में दो ले लिए हैं, तो अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करें जो पालने वाले हैं, तो ठीक हो गया जी माशाल्लाह। तो व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है, और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे, और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।